ओम शांति। आइए सुनते हैं प्यारे बाबा की आज की मीठी मीठी मुरली। आज की डेट है 7 अप्रैल 2020। बाबा बोले, मीठे बच्चे बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। आज का प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? आंसर है, बाबा के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। गीत है बदल जाए दुनिया। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए। वह भी वफादार बच्चे चाहिए, हर बात में वफादार रहना है। स्त्री के सिवाय पति के, अथवा पति के सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उनको बेवफा कहेंगे। अब यहाँ भी है बेहद का बाप, उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाप तो हाईएस्ट अथॉरिटी है, ऑलमाइटी है, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाप में ताकत है, बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, इसलिए उनको कहा भी जाता है सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति सेना हो ना, तुम अपने को ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वह हमको देते हैं, बतलाते हैं तुम रावण पर जीत कैसे पा सकते हो। तो तुमको भी शक्तिवान बनना है, बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है। जैसे वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती है, ये पाठशाला है, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो उससे ऊंच पद पा सकते हो। यह एक ही पाठशाला है, तुमको तो यहाँ पढ़ना है और कोई प्रार्थना नहीं करना है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है तो वही जाने, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, दूसरा कोई दे ना सके। बाप सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है वह भी तुम बच्चे जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि हैं वह गुरु गोसाई हैं, वह सब तो भक्ति मार्ग के हैं। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है यह भी जानते हैं, उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योगयुक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बाबा बोले, बच्चे तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि ना आए, योग युक्त पक्का चाहिए। बाबा ने समझाया है, वास्तव में तुम सब हो वानप्रस्थी, वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे, घर को और बाप को याद करने वाले, इसके सिवाय कोई तमन्ना ना हो। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, यह सब है छींची तमन्ना। बाबा ने कहा, बच्चे तमन्नाएं रखते, हमको अच्छे कपड़े चाहिए। बाबा ने कहा, ऐसी कोई तमन्नाएं नहीं रखनी, छींची तमन्नाएं। देह अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सके।
अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइक चाहिए। वह योग की बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं। बाबा झट बता देंगे यही यही खामियां है, निकालो। बाबा ने समझाया है, शिव के मंदिर में जाओ, वहां बहुत तुमको मिलेंगे। बहुत है जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशी विश्वनाथ हमारा कल्याण करेंगे। वहां तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे, परंतु इसमें बड़ा शूर बुद्धि अर्थात होशियार चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर तुम बच्चे समझा सकते हो। मंदिरों में जाकर समझाओ, गुप्त वेश में जा सकते हो। हनुमान का भी निशान है, हो तो वास्तव में तुम ही ना। जुत्तियों में बैठने की बात नहीं है, इसमें बड़ा समझो सयाना बच्चा चाहिए। बाबा ने समझाया है, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ ना कुछ खामियां तो जरूर है। तुम बच्चों को नशा चाहिए, यह एक ही हट्टी है जहां सबको आना है। एक दिन यह सन्यासी आदि भी बाबा ने कहा सब आएंगे। एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहां? जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा। और समझेंगे यह एक ही हट्टी है, सबका सदगति दाता भी एक ही बाप है। ऐसा जब नशा चढ़े तब वह बात है। बाप को ही होना है, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तो तुम्हारा यही धंधा है सबका कल्याण करना। यह तो पुरानी दुनिया है, बाबा बोले यह तो पुरानी दुनिया है। इनकी आयु कितनी है? इसमें टाइम, थोड़ा टाइम में समझ जाएंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अभी अबलाओं को ये बुद्धि में आएगा, नई दुनिया की स्थापना हो तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है, तो रचयिता बाप को भूल गए हैं। त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया तो कोई काम के नहीं है, रचयिता तो वही है। शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बीके भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है, ब्रह्मा की औलाद है। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं यह भी कोई जानते नहीं है। बाप आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ये बड़ी पेचीदी बातें हैं। बाप जब सम्मुख आकर समझाए तब समझे। जो देवताएं थे वह शूद्र बने हैं, अब उनको कैसे ढूंढे, उसके लिए युक्तियां निकालनी है। जो समझ जाए बीके का तो भारी कार्य है, कितने पर्चे आदि बांटते हैं। बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने के लिए भी समझाया है, कम से कम अखबार जितना एक कागज हो उसमें मुख्य पॉइंट सीढ़ी आदि भी आ सकती है। मुख्य है अंग्रेजी और हिंदी भाषा। तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रहने चाहिए, सर्विस को कैसे बढ़ाएं। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है, समझा जाता है ये सर्विस अच्छी करते हैं, इनका पद भी ऊंचा होगा। हर एक कैरेक्टर का अपना पार्ट है, यह भी लाइन जरूर लिखनी है। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकारी शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पार्ट बजाते हैं, तो ये लाइन भी मुख्य है, सिद्ध कर बतलाना है। ये सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है, बाबा के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही चाहिए। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए।
जयपुर में ये रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है, इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। मम्मा भी सर्विस पर है, उनको मुकर्रर किया था। ये कोई शास्त्रों में नहीं है कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां हैं, अनेक नाम वाली होगी। वह फिर एडॉप्टेड थी, जैसे तुम भी हो। एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं, फिर एबल समझा जाता है, तब उनको पसंद करते हैं। टाइम पूरा हो जाता फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। तो बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखलाते हैं कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना ही नहीं आता है। जो जास्ती तीखे हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वह भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाबा ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। यह भी आत्मा जानती है, ये आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। जैसे कन्या का बिगड़ देखे भी बुद्धि योग लग जाता है। बाबा कहते, यह भी तुम्हारी आत्मा जानती है कि आत्मा परमात्मा की यह सगाई बहुत वंडरफुल है। एक बात को ही याद करना पड़े। मैं तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो, ये तो बाप ही सब कुछ है। इन द्वारा आकर सगाई कराते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मेरे से वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती नहीं है। तुम फिर क्यों भूल जाते हो? बाबा ने कहा, जैसे कन्या की सगाई होती तो भूलती नहीं, तुम बच्चे क्यों मुझे भूल जाते हो? कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापिस तो कोई जा नहीं सकते। जब साजन पहले चले फिर बारात जाए। शंकर की बारात नहीं, शिव की बारात। एक ही साजन है, बाकी सब सजनियां हैं। तो यह है शिव बाबा की बारात। नाम रख दिया बच्चे का, दृष्टांत दे समझाया जाता है। बाप आकर गुलगुल बनाए सबको ले जाते हैं। बच्चे जो काम चिता पर बैठ पतित बन गए, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाकर सभी को ले जाते हैं। अब यह तो पुरानी दुनिया है। कल्प कल्प बाप आते हैं। हम छीछी को आकर गुलगुल बनाते हैं, रावण छीछी बनाते हैं और शिव बाबा गुलगुल बनाते हैं। तो बाबा बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। अच्छा, अभी मुरली पूरी हुई, बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत थैंक्स। तो बाबा ने इतने प्यार से बच्चों को याद प्यार दिया। अभी हम सुनते हैं मुरली का सार। पहली पॉइंट है, खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़, देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट लेकर
निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं, उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है और सबका कल्याण करना है। आज बाबा ने वरदान दिया अपनी तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता हो, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता हो। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता पढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाती हुई अनुभव में आए। बाबा ने कहा तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। स्लोगन है, स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। अच्छा, ओम शांति। तो हम सबने बाबा के मधुर महावाक्य सुने, बाबा को फिर से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बाबा शुक्रिया। ओम शांति।